नमस्कार जय हिंद, मैं आयुष निम आपके सामने हाजिर हूँ आज एसएससी जीडी के सारे शिफ्ट डे वन का रिव्यू लेकर के। मेरे भाई, हमने तुमसे कहा था कि जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लो, मामला सारा सेट हो जाएगा। तुम सुने नहीं, यहाँ सारा खेल ही विश्वास का है। आज देखो, तुमको हम फटाफट जल्दी जल्दी बता देते हैं क्या क्या आया था और कल के पेपर के लिए क्या क्या तुमको तैयार करना है। ठीक है, फौजी बनने जा रहे हो तो एक अलग जोश उत्साह होना चाहिए तुम्हारे अंदर। ठीक, चल इसको जरा खोल खा के जो देखो, मैथ की अगर हम बात करें तो एकदम जितना फिक्स एसएससी का पैटर्न है मेरे भाई, उतना ही पैटर्न उसने पकड़ा है। उसने हर शिफ्ट में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन कौन सा आया था? पहली शिफ्ट में तो सरल वाला आया था कि ए इतने दिनों में करता है, बी इतने दिनों में करता है, तो कार्य का 60% दोनों मिले कितने दिनों में करेंगे, एक तो ये आया था। ठीक है, एक थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन में था कि 4 आदमी 8 महिलाएं किसी कार्य को इतने दिनों में करते हैं, तो इतने आदमी इतनी महिलाएं कार्य को इतने दिनों में करेंगे, तो आखिरी पूछा 2 आदमी तथा 2 औरतें कार्य को कितने दिन समाप्त करेंगे। ठीक है, एक ये पूछा गया था। एक सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था मेरे भाई कि 4 व्यक्ति 4 दिन में 4 प्रतिदिन 4 घंटे काम करके 16 चटाई बनाते हैं, तो 5 व्यक्ति 5 घंटे काम करके प्रतिदिन कितनी चटाइयां बनाएंगे, इसलिए एक क्वेश्चन आया था। तो टाइम एंड वर्क आ गया मेरे भाई। सेकंड क्वेश्चन सीआई और एसआई पूछी जा रही है हर शिफ्ट में, और हर शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आ रहा है डिफरेंस वाला कि सीआई एसआई के बीच के 2 साल का डिफरेंस दे दिया। तुमको हम बार बार बताए हैं कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, डिफरेंस वाले को लेकर के जोड़ो घटाओ नहीं, 7% दिया तो मतलब कि डिफरेंस 0.49 का आएगा, खत्म। तुम्हारा दिमाग इस बात को कहना चाहिए, बात समझ में आ रही है? ठीक, इसके अलावा तुमको हमने एक क्वेश्चन वाला कराया था पानी की टैंक, वो बंदर किसी खंबे को चढ़ जाता है, एक मिनट में इतना चढ़ता है, फिर अगले मिनट में इतना फिसलता है, एक वो वाला कराया था, वो वाला क्वेश्चन भी आया था। इसके अलावा तुम्हारा मेंसुरेशन में मेरे भाई घनाभ कर लो, ठीक से घनाभ कर लो, बेलन कर लो, ये दोनों में तो भला करके जाएगा। इसके अलावा हम चौथे की बात करें, फोर्थ जो वेटेज परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, जिसमें डिस्काउंट देता है कि एक X% ने डिस्काउंट दिया, एक 10% ने डिस्काउंट दिया, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करो, एक वाला क्वेश्चन आ ही रहा है एकदम ताबड़तोड़, हाउ के एकदम कहता है हाउ दिया है उसने पकड़ के। ठीक है मेरे भाई, पाइप टंकी में तुमसे कुछ नहीं खास पूछा है, जितना परेशान हो रहे थे कि पाइप टंकी में कुछ पूछ लेगा, पाइप टंकी में तुमसे एक सरल सा क्वेश्चन पूछा था कि 2 नल भर रहे थे, तीसरा खाली कर रहा था, तो कितने दिन में सब निपटा देगा। ठीक है, इतना कार्य पूछा था। और उसे ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री मेरे भाई सिर्फ सर्कल वाली पूछी थी, तुमको हमने 200 बार बताया है, 200 बार सर्कल वाली, सर्कल में एक टेंजेंट पूछी थी, टेंजेंट वाला। ठीक है, और एक हमने तुमको ज्यादा बताया था कि ये एक त्रिभुज है, इसके ये कोणार्धक जो होते हैं इनसे एक लाइन खींची गई है, तो एक ये वाला एंगल निकाला तुमको बताया था, हाँ कि ना बताया था, तो बताया था ये वाला एंगल गिवन था, ये वाला एंगल निकाला था, तुमको एक क्वेश्चन हमने बताया था और तुमसे कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, तुम सारे माने नहीं थे। ठीक, इसके अलावा अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मेरे भाई ब्लड रिलेशन का बहुत सरल सवाल आ रहा है, नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन फेंक रहा है, नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन, एक आई थी आज हाफ पैटर्न। हमने तुमसे कहा था कि पेपर का स्तर बढ़ जाएगा, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया, थोड़ा सा ऊपर जैसे हिलाया, सिर्फ श्रिंक किया है उसको। ठीक है, इतना नहीं बढ़ा दिया कि आप सस्टेन नहीं कर सको पेपर के अंदर, आप आराम सस्टेन कर जाओगे, क्योंकि तो सिर्फ पेपर को स्तर नहीं बढ़ाया, उसने श्रिंक कर दिया है। ठीक, उसके अलावा ये हो गई, इसमें तो हमारे सारे नॉर्मल सलॉक्स आई थी। ठीक है, पेपर कटिंग फोल्डिंग आई थी, ठीक है, मिरर इमेज आई थी, ये सब आए थे। अगर हम जीएस की बात करें मेरे भाई, तो जीएस के अंदर एक आपका आर्टिकल 19 का क्वेश्चन आया था, उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश पूछा गया था, आर्टिकल 75 पूछा गया था, पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा गया था, उसके बाद पीला ग्रह कौन सा है पूछा गया था, श्रीलंका की राजधानी पूछी गई थी, अफगान और मराठाओं का युद्ध नहीं हुआ था उससे पूछा गया था, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या साइंटिफिक नेम पूछा गया था मेरे भाई, मोरना चिल्लाना साइंटिफिक नेम पूछा गया था, वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, नागालैंड की राजधानी, मेरे भाई नागालैंड की राजधानी समझ में आते ही तुमको समझ जाए कि पूर्व के जितने भी राज्य हैं, हमारे 7 सिस्टर्स हो गई, पूर्व के सारे राज्य हो गए, इन सब की कैपिटल तुम दिमाग में बैठा लो।
ठीक है, तुम इसकी कैपिटल दिमाग में बैठा लो, सीएम बैठा लो, गवर्नर बैठा लो, देखे तुम्हारा सवाल चला जाए कहीं कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया सत्रिया डांस के बारे में, सत्रिया डांस के प्रतिभाग कौन है या सत्रिया डांस कहाँ से आया, मेरे भाई दुनिया को पता है कि असम से आया है, तो तुमको क्या करना है, अब सारे जितने भी डांस हैं एक बार तुम डांस पढ़ लो, क्योंकि डांस अगर उसने टच किया तो डांस बार बार पूछेगा, तो नाच लेना तुम एक बार। उसके अलावा राष्ट्रीय आपात, आपातकाल पूछा था, 352 356 358 सब पूछ डाला उसने, ठीक है, तुमको 360 भी वो जो वित्तीय आपात होता है वो भी तुमको पता होना चाहिए, ठीक। एक क्वेश्चन अकबर से आया था, एक क्वेश्चन फेस्टिवल से आ रहा है, त्योहार से आ रहा है, त्योहार बहुत पूछते हैं, तो विंटर वाले जितने त्योहार है स्पेशली जम्मू कश्मीर में जो विंटर के फेस्टिवल होते हैं उनको पढ़ डालो, ठीक है। यूजीसी का चेयरमैन पूछा था कि यूजीसी का चेयरमैन कौन है, अब यूजीसी तुमसे पूछ लिया तुम इसरो याद कर डालो, डीआरडीओ याद कर डालो, और वो यूपीएससी याद कर डालो, तुम अपना अटॉर्नी जनरल याद कर डालो, सब पढ़ डालो, ठीक है। एक चेयरमैन तुमसे बात पकड़ लेगा। भारत जोड़ो जाता सबसे पहले कहां शुरू हुई थी, वही अपना वो क्या नहीं सर पप्पू क्या राहुल गांधी ठीक है, राहुल गांधी के बारे में पढ़ डालो, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी पूछी गई थी मेरे भाई, अगर विजय हजारे पूछी गई है तो तुम जितनी भी ट्रॉफियां तीन चार बनती इंपॉर्टेंट वो ट्रॉफी पढ़ डालो, लगभग तुम्हारा एक पेपर का है तो बहुत नॉर्मल स्तर का पेपर आ जाया था, ठीक है। कैलकुलेशन में तुम भाग रहे थे, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव भाई, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव पेपर नहीं आया था थोड़ा, लेकिन दिमाग से काम करना कि अगर 16.67% लिखा है तो तुम इसको देख के डर नहीं जाना, क्योंकि ये 16/2/3 लिखा है, इसका मतलब 1/6 होता है, लोगों ने कैलकुलेशन कर दी सरल, समझ में आ गए। इतना ही पेपर आ रहा है, तो मेरे भाई कल जिनका पेपर है उन सभी को परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं, आप जल्दी से जल्दी जाओ बढ़िया पेपर करके आओ और भारत की सेवा के लिए लगो, ठीक। तो इतना ही है आज के लिए, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, पढ़ाई करते रहो, ठीक। नमस्कार, जय हिंद।